दोस्तों इस लड़के का नाम लवर बॉय है और इसे आज तक अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी सच्चा तो दूर की बात झूठा प्यार तक नहीं मिला। ये 17 साल का हो सकता है लेकिन इसका कांड 17 साल के किसी नौजवान के जैसा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सोचकर ये अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वो रोज़लेती नाम की एक लड़की को देखता है जिससे उसकी नजर नहीं हटती, पर गाड़ी रास्ते से हट जाती है और वो गाड़ी सीधा फुटपाथ पर चढ़ा देता है। रोज़लेती ये देखकर समझ जाती है कि ये दुर्घटना उसी की खूबसूरती का कमाल है। वहाँ पर एक पानी का पाइप फट गया था जिससे वहाँ से होकर नदी बहने लगता है। रोज़लेती भी उस बहती गंगा में अपने हाथ पैर धोने लगती है और उधर लवर बॉय उसे हवस भरी नजरों से देखकर पूरे के पूरे मजे लेता है। दरअसल वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और लवर बॉय रोज़लेती को बचपन से चाहता है, लेकिन उसके सामने आज तक वो एक शब्द तक नहीं बोल पाया। घर पहुँच कर वो 2-4 डम्बल उठाकर एक गंदी मैगजीन को खोल लेता है और उसे देख कर मन ही मन अपनी हवस मिटाने लगता है। इसी बीच वो अपने पड़ोस में एक सख्त लौंडे को फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हुए देखता है। दरअसल सख्त लौंडा अपने बाप के साथ पड़ोस में आज ही शिफ्ट हुआ था। इसी बीच बाइक चलाते चलाते वो एक गड्डी के सामने आ जाता है। उस गाड़ी में बनी और उसका बॉयफ्रेंड कैनी था। बनी सख्त लौंडा को पहली नजर में देखते ही उससे उसे प्यार हो जाता है और इधर कैनी को तो अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं बल्कि अपने गड्डी की पड़ी थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि यहाँ पर सभी बच्चे एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। खैर थोड़ी देर बाद लवर बॉय सख्त लौंडे के पास आकर उससे बात करता है। सख्त लौंडा उसकी एक झलक देखते ही समझ जाता है कि वो एक शर्मीले किस्म का लड़का है, इसीलिए वो लड़कियों से कोसों दूर रहता है। लवर बॉय इतना निठल्ला था कि उससे बास्केटबॉल भी ठीक से खेला नहीं जा रहा था, इसीलिए लवर बॉय उससे दोस्ती करके उसके सामने अपनी मुसीबतों का झोला खोल देता है, जो सुनकर सख्त लौंडा उसे मर्द बनाने के लिए ठान लेता है। आगे उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और सख्त लौंडा उसे ढंग से चलना और ढंग से कपड़े पहनना सिखाता है। फिर भी लवर बॉय लड़की को देखते ही अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो पाता और गिरकर उसके कमर में लचक आ जाती है। एक दिन वो दोनों अपने शहर में हो रहे एक कुंभ के मेले में जाते हैं, जहाँ पर रोज़लेती अपनी 3 सहेलियों के साथ किस देने के लिए दुकान खोलकर बैठी हुई थी। दरअसल इस तरीके के दुकान को किसिंग बूथ कहा जाता है, जो कि विदेशों में बहुत चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कहाँ ये सब कुछ मिलता है। खैर उन दोनों को भी चुम्मी लेने की बहुत तलब लगी थी, तो वो दोनों $5-5 देकर उस पहिए को घुमाते हैं। लवर बॉय रोज़लेती को किस करना चाहता था, लेकिन उसके किस्मत में रोसेल नाम की एक बदबूदार लड़की आती है और उधर सख्त लौंडे की किस्मत में रोज़लेती आती है। सख्त लौंडा यहाँ पर मुंह फाड़कर उसकी चुम्मी ले लेता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ लवर बॉय देख रहा था और अपने आप को कोस रहा था। सख्त लौंडा फिर से उस पहिए को घुमाता है और इस बार उसके किस्मत में बनी आती है। अब वो जब बनी को किस कर रहा था तब ये देखकर रोज़लेती को मन ही मन बहुत जलन होती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। उसी रात लवर बॉय खिड़की से देखता है कि सख्त लौंडा चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर अपने सोच में मग्न था। अगले दिन क्लास में लवर बॉय रोज़लेती को अपनी टांगों को उत्तर दक्षिण दिशा में फैलाकर बैठा हुआ देखता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर बार बार अपने पेन को नीचे गिराकर रोज़लेती की सफेद कच्छी देखने लगता है। अब अंदर उसने क्या नजारा देखा वो तो हमें उसके मुंह की चमक देखकर ही पता चल जाता है। तभी टीचर कहती है, अगर कच्छी देखकर मन भर गया हो तो इधर भी थोड़ा ध्यान घुमा ले बच्चे। खैर क्लास के खत्म होने के बाद सख्त लौंडा लवर बॉय को एक सरकारी साइकिल में बिठाकर उसे रोज़लेती से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन वो बेचारा सब कुछ गुड़ गोबर कर देता है और रोज़लेती को देखने के चक्कर में वो एक कार में जाकर टकराता है। उसके मुँह से खून निकल रही थी, इसलिए रोज़लेती उसके पास आकर कहती है, ओ तुम्हें कितनी चोट आई है, लेकिन मेरे पास रुमाल नहीं है। तब लवर बॉय अपने पजामे के अंदर हाथ डालकर अपने रुमाल को निकालता है। रोज़लेती उस रुमाल में थूक लगाकर लवर बॉय के खून को साफ करती है। तभी लवर बॉय मौके का फायदा उठाकर उसके स्तन को कुचुक करके दबा देता है। इससे लवर बॉय के साथ साथ रोज़लेती को भी बहुत मजे आती है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। लवर बॉय ये सारी घटनाएं अपने इकलौते दोस्त सख्त लौंडे को बताता है कि कैसे उसकी गाड़ी अभी निकल पड़ी है। तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच में रोज़लेती भी आ पहुंचती है और वो सख्त लौंडे को शनिवार को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिसमें सख्त लौंडा भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में लवर बॉय सख्त लौंडे से कहता है, ऐ मेरे दोस्त तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तू क्या मुझे अकेला मारना चाहता है? क्या तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त लवर बॉय का भी एक छोटा सा सुखी परिवार हो? क्यों तू मेरी गर्लफ्रेंड की लेने के पीछे पड़ा हुआ है? जिसमें सख्त लौंडा लवर बॉय से कहता है कि वो रोज़लेती को नहीं बल्कि बनी को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो रोज़लेती को टच भी नहीं करेगा। इसके बाद शनिवार को वो चारों डेट पर जाते हैं, जहां पर सख्त लौंडा रोज़लेती के साथ और लवर बॉय बनी के साथ बैठा हुआ था। वहीं पर ही हम बनी के पुराने आशिक को देखते हैं, जो कि बनी को लवर बॉय के साथ देख लेता है और बाद में लवर बॉय के ऊपर पूरा का पूरा भड़ास निकालता है। सख्त लौंडा जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब उनके बीच में हाथापाई होती है। रात को सख्त लौंडे के पिता को जब इस लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो सख्त लौंडे को मारपीट कर उसे घर में बंद कर देते हैं। इसके बाद 2 दिनों तक सख्त लौंडे के बारे में किसी को कोई अता पता नहीं रहता। एक रात लवर बॉय सख्त लौंडे के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उन दोनों के बीच फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों गले तक दारू पीकर बाइक में लॉन्ग ड्राइव पर भी जाते हैं और घर आते वक्त लवर बॉय एक कपड़े के दुकान से एक लड़की के पुतले को उठाकर लाता है। सुबह होने पर हम उसे उस पुतले के साथ सोया हुआ देखते हैं, यानी रात को उसने उस पुतले को तक नहीं छोड़ा। स्कूल में सख्त लौंडे के पास बनी आकर उससे अपनी दिल की बात कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। सख्त लौंडा भी उसे थोड़ा थोड़ा चाहने लगा था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर चुम्बन क्रिया करना शुरू कर देते हैं। इधर ये सब कुछ रोज़लेती भी देख रही थी और इससे उसका दिल कांच की तरह टूट जाता है। लवर बॉय समझ चुका था कि अब उसकी बारी आ चुकी है, इसीलिए वो रोज़लेती के ऊपर डोरे डालना जारी रखता है। इसी बीच वो उसे एक दिन उसके साथ डेट पर चलने के लिए भी पूछता है, जिसमें रोज़लेती भी मान जाती है। उस रात वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोज़लेती अपने रास्ते और लवर बॉय अपने रास्ते निकल लेता है। आगे वो दोनों एक साथ कई बार डेट पर जाते हैं और एक साथ घुड़सवारी भी करते हैं। इधर सख्त लौंडा भी बनी के साथ गुलछड़े पर गुलछड़े उड़ा रहा था। इसी बीच एक दिन लवर बॉय कार में रोज़लेती के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करता है। पहले तो वो दोनों कार में चुम्बन क्रिया करते हैं, फिर लवर बॉय उसकी पैंटी पकड़ लेता है और उसे खींचकर उतारने की कोशिश करता है। ये सब कुछ दूर से सख्त लौंडा और बनी भी देख रही थी। इसी बीच अचानक गाड़ी का दरवाजा खुल जाने की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और लवर बॉय के हाथ में सिर्फ उसका फटा हुआ पेंटी रहता है। रात को लवर बॉय इसके लिए रोज़लेती से माफी मांगता है और रोज़लेती भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन रोज़लेती उसे अपने घर पर बुलाती है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। लवर बॉय भी सज सबर कर मुंह उठाकर उसके घर पहुंच जाता है और फिर वो दोनों एक एक करके अपने अपने कपड़े उतारकर खचाखच मचाते हैं। ये सब कुछ दरवाजे से रोज़लेती का कुत्ता भी देख रहा था। अब जिस्मानी संबंध हो जाने के बाद जब वो दोनों अपने अपने कपड़े पहन रहे थे, तभी घर में रोज़लेती के पेरेंट्स भी आ पहुँचते हैं। आवाज सुनकर उन दोनों की फटकर 464 हो जाती है और लवर बॉय अपनी जूती चप्पल लेकर खिड़की से होकर घर से निकल पड़ता है। छत से होकर जब वो उतर रहा था, तभी रोज़लेती की माँ उसे छत में टंगा हुआ देख लेती है। तब तक उसका पैंट भी उसके कमर से सरक चुका था और वो अपने कपड़े को संभालते संभालते वहाँ से निकल लेता है। बोलो बेचारे की अपनी होने वाली सासू माँ के सामने कैसे कट गया। इस घटना के बाद कुछ दिनों के अंदर उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि लवर बॉय को लग रहा था कि रोज़लेती सेल्फिश किस्म की लड़की है और वो उसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ रात को सख्त लौंडा छिप छिप कर बनी के घर पहुंचता है और देखता है कि बनी और उसके पेरेंट्स के साथ साथ वहां पर कैनी भी मौजूद था। कैनी दरअसल बनी का पुराना आशिक था। खैर ये देखने के बाद सख्त लौंडा भी बनी के ऊपर नाराज रहने लगता है। इसी बीच एक दिन तो वो स्कूल के प्रॉम पार्टी में बनी को कैनी के साथ नाच गाना करते हुए भी देख लेता है। वो ये बात अपने दोस्त लवर बॉय को बताता है कि कैसे उसकी कट गई है, जिसमें लवर बॉय कहता है दोस्त तू बनी के बारे में गलत समझ रहा है, वो ऐसी लड़की नहीं है। सख्त लौंडा कहता है नहीं तू जानता नहीं है, आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर 4, फेसबुक पर 4 और व्हाट्सएप में भी 4-4 बॉयफ्रेंड रखती है। खैर इसके बाद अगली सुबह लवर बॉय बनी को किराए के बाइक में बिठाकर सख्त लौंडे के पास लेकर आता है। सख्त लौंडा पूरी रात पार्क में लेटे लेटे बनी के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बीच में हुए सारे गिले शिकवे को दूर करके दोनों एक साथ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लवर बॉय बनी के पिता के पास जाकर कहता है सर आपकी बेटी मेरे दोस्त के साथ भाग गई है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे बहुत खुश रखेगा। इसके बाद जब वो अकेले अकेले एक दुकान के अंदर जा रहा था, तभी वहाँ पर बनी का पुराना आशिक कैनी आकर लवर बॉय को खड़ी खोटी सुनाता है। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लवर बॉय अपनी गाड़ी को कैनी के गाड़ी से टकराता है और उसके गाड़ी का कचूमर बना देता है। इधर कैनी भी उस टूटी हुई गाड़ी को लेकर उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच बहुत देर तक कार चेसिंग होता है, पर आखिर में लवर बॉय कैनी को बहुत बेइज्जती से हरा देता है। इसी बीच उसके पास रोसेल आती है और ये वही लड़की है जिसको लवर बॉय ने किसिंग बूथ पर किस किया था। रोसेल यहाँ पर उसके पास आकर कहती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसके साथ पॉपकॉर्न चबाते चबाते मूवी देखना चाहती है। इसी बीच लवर बॉय को यकीन होता है कि वो भी रोसेल को पसंद करने लगा है और रोज़लेती तो बस उसका आकर्षण था। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।